हेलो एवरीवन दिस इज आशीष जैन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वस्टिंग मेथड है जैसे कि देखिए हमने अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग

तो आपने अपना एक उनको एक जॉब दिया कि उनको जो है उन्हें भी फोकस करना है दैट से जो भी आपके जो भी आपने जॉब दिया देखिए सबका देखिए बॉडी साइज अलग होता है ठीक कलर अलग होता है मटेरियल अलग होगा भाई आपने जो कपड़ा दिया होगा उसका जो फाइबर जो है वो फैब्रिक जो है वो अलग होगा ठीक तो है तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी फ्रेंड के साथ गए ठीक है तो उनका अलग होगा ठीक है उनका बॉडी साइज अलग होगा ठीक है उनकी चॉइस अलग होगी ठीक है तो मीन्स आपने जो पर्टिकुलर जो भी आपने सूट या फिर कोई भी कोई भी आपने लाइक like, कुछ भी आपने सिलवाने के लिए दिया हो ठीक है स्टिच करने के लिए दिया हो तो उसमें क्या होता है कि आपने उस पर्टिकुलर सूट के लिए एक आपने टेलर को एक जॉब ऑफर किया है एक तरह जॉब दिया है कि आपको ये बना के देना है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था, था जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रेक्ट क्वेश्चन बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जॉब कॉस्टिंग सिर्फ या सिर्फ छोटे टाइम के लिए होता है ठीक है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन वेन इट गो फॉर सम लॉन्ग टाइम लाइक थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए डैम हो गए ठीक है तो इनको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक है तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रोसेस क्वेश्चन प्रोसेस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि जिनको एक बार नहीं, नहीं में वो उसको बनाना पॉसिबल नहीं होता दे एक्चुअली नीड टू पास थ्रू

करना पड़ता है ठीक so है सो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है लाइक इट इज अ बेसिक इट इज अ कॉस्टिंग मेथड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सेपरेट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और जॉब्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व बिकॉज देयर आर सो मैनी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर ठीक है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अडोप्ट दिस टाइप ऑफ मैथड इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग ठीक है देखिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर सुनाऊंगा उसको मैं आपको जैसे देखिए हम अगर हम प्रोसेस बनाएंगे फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको मैं जैसे देखिए प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री बेसिक गवर्नमेंट का तरह देखा पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट जैसे देखिए प्रोसेस वन में प्रोसेस वन क्या मीन्स एक इनिशियल स्टेज पे हो भी आप आप रो मटेरियल को अभी आप एक अपनी फैक्ट्री में लेके आए हो ठीक है तो वहाँ पे क्या लिखोगे जैसे देखिए आप लिखोगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप लेके आए हो वो आप यहाँ लिखोगे कितने अमाउंट पे लेके आए हो वो भी लिखोगे ठीक है अभी इस प्रोसेस में इस रो मटेरियल को कन्वर्ट करना फिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस करोगे कुछ और एडिशनल खर्चा करोगे क्या क्या हो सकता है वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी हो सकती है ओवरहेड भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये सब देखिए आपके यूनिट्स को नहीं बढ़ाएंगे आपके बेसिकली खर्चे को बढ़ाएंगे ठीक है देन ये था आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आपके लिखेंगे जितना भी आपके पास जितने यूनिट्स अब आउटपुट जो भी निकल रहा है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे ठीक है तो देखिए प्रोसेस वन में हैं तो प्रोसेस वन में भी प्रोसेस टू में जाएगा तो मारने जो भी यूनिट्स बची होंगी तो वो क्या हो जाएगी देखिए वो क्या हो जाएगा दैट मीन्स आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू जितनी भी यूनिट्स आएंगी वो यहाँ लिखोगे और कितने कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी यहाँ लिखोगे ठीक है अब देखिए ज़रूरी नहीं है जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आपके पास वन थाउजेंड यूनिट आप इनिशियली लेके आए चाहे वो कितने भी कॉस्ट पे आपने यहाँ लिख दिया उसके बाद आउटपुट जो निकला वो मान लीजिए कितना निकला ओनली नाइन हंड्रेड दैट मीन्स जब आपने फैक्ट्री में आप रो मेटर परचेज करके लेके आए ठीक है तो आपने इनपुट दिया फॉर वन थाउजेंड यूनिट्स बट जब प्रोसेस वन से जो भी मटेरियल बाहर निकला जो प्रोसेस टू अभी जाएगा जा अभी वो वर्किंग प्रोग्रेस में ही है बट वो अभी प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में ट्रांसफ़र हो रहा है तब तो उसकी यूनिट की उसमें उसकी, उसकी क्वांटिटी कितनी थी ऑन हंड्रेड तो बाकी जो हंड्रेड है वो कहाँ चला गया वो बेसिकली एक लॉस होता है ठीक है लॉस हम कई तरीके हो सकते हैं एक होता है आपका नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का मतलब तो होता है एक्सपेक्टेड लॉस कि इतना तो लॉस होता होता है जैसे कन्वर्ट कर करने में उसका कुछ स्क्रैप निकल आता है तो इस तरह का लॉस होता है वो ठीक है तो जितने भी यूनिट्स आएंगी मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सपोज फिफ्टी यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया ठीक है तो उसकी कॉस्ट देखिए जो भी कॉस्ट आएगी या तो वो क्वेश्चन बताएगा कि इतने यूनिट्स में जो स्क्रैप जो है सोलट हो चुका तो वो अमाउंट लिखोगे या तो आपको क्वेश्चन बताएगा या तो नहीं बताएगा अगर बताएगा तो जितने में बताया उतना लिखना नहीं लिखना ठीक है अब उसके बाद मान लीजिए जैसे कहता देखिए आपका आउटपुट निकलना कितना नाइन हंड्रेड आपने इनपुट कितना दिया था वन थाउजेंड नॉर्मल लॉस हो गया फिफ्टी का बैलेंस दिखे भी फिफ्टी का यहाँ बचा हुआ है तो वो गया काम इसका मतलब क्या देखिए अगर आपने वन थाउजेंड यूनिट का इनपुट दिया था

कोस्ट को आप हमेशा मैंडेटरी निकालना ही निकालना है मीन्स इसको कैलकुलेट करना हमेशा मस्ट है चाहे गिवन हो गिवन हो तो लिखना ही है वैसे तो गिवन होगा नहीं ठीक है बट अगर नहीं गिवन है तो आपको निकालना कंपल्सरी है देखिए एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में डिफरेंस बेसिक क्या होता है जैसे देखिए अगर, आप, अगर, अगर आपने अगर वन थाउजेंड अगर आपने इनपुट दिया है आपको पता है कि न, मेरे लॉस जो है मान लीजिए हंड्रेड यूनिट्स हो ही जाएंगे मैं फिफ्टी कर लेता हूँ आपने एक्सपेक्ट फिफ्टी की यूनिट्स होंगे ही होंगे दैट मीन्स इन हैंड आपके हाथ में यूनिट्स कितने आने चाहिए ची? आनी चाहिए थी दैट इज नाइन फिफ्टी बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्रोसीजर फ्रॉम लाइक टू कन्वर्ट दियर बट इन फिनिश गुड्स इन दी प्रोसेस वन देर एडिशनल लॉस कुछ भी हो सकता है फैक्ट्री में कुछ डैमेज हो गया ठीक है कुछ उसकी वजह से कुछ रोमेटरीज वो खराब हो गया ज़्यादा लॉस हो गया तो उसको क्या हुआ आपको फिफ्टी यूनिट्स का आपको एडिशनल बटन लेना पड़ा इसकी वजह से आपके हाथ में कितनी यूनिट्स आई दैट इज़ ओनली नाइन हंड्रेड यूनिट्स तो ये जो आपने एक्सपेक्ट किया था इसको बोलेंगे हम नॉर्मल लॉस बट जो अनएक्सपेक्टेड था उसको बोलेंगे हम एब लॉस मैं फिर से एक बार फिर से सीवे कर देता हूँ देखिए जैसे आपको पता है कि मेरे फैक्ट्री में से नाइन फिफ्टी फिफ्टी यूनिट्स आउटपुट निकल निकलेगा ठीक है आप अब आपको आप जब आप जो भी कस्टमर से कॉस्ट बिये करोगे वो तो आप इतने की बियर करोगे भाई इतनी की तो बिये करोगे ना भैया मैंने कि जो जो भी खर्चा होगा वो तो आप कस्टमर के बर्डन पर कर दोगे वो तो आप बर्डन डाल दोगे लेकिन एबनॉर्मल लॉस का जो भी खर्चा होता है जो भी लॉस होता है ना वो एक्चुअली आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता है ये जो फैक्ट्री का ऑनर है उसको अपने पॉकेट से ना पड़ता बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड होता है देखिए अगर आपको पता है कि मेरा इतना खर्चा होने वाला है ठीक है तो आप क्या करते हो जितने भी जो जो भी जितने भी, भी खर्चे होते हैं ठीक है और उसमें कुछ एडिशनल लॉस हो गया आपने वो लॉस ऐड करके कस्टमर को जो है ज़्यादा उसी कॉस्ट पे कॉस्ट बड़ा बढ़ गई और आपने कस्टमर को जो है उसी के अकॉर्डिंग सेल प्राइस बढ़ा के आपने कस्टमर को सेल कर दिया ठीक है तो नॉर्मल लॉस क्या होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड लॉस ठीक है

पॉसिबल हो सकता है भाई आप ध्यान से देखिए मैं अगर सिसम थोड़ा चेंज करूं भाई आपने नॉर्मल लॉस एक्सपेयर किया था हंड्रेड यूनिट्स का सॉरी मान लीजिए टू हंड्रेड यूनिट्स का आपका आउटपुट कितना आया नाइन हंड्रेड का देखिए आपने एक्सपेक्ट कहता था आपने इनपुट दिया वन थाउजेंड का आपने एक्सपेक्ट किया था कि टू हंड्रेड का नॉर्मल लॉस तो होगा हो ही होगा और आपने एक्सपेक्ट किया था कितना कि आउटपुट कितना निकल आएगा कितना 800. तो बाकी एडिशनल यूनिट्स वो क्या आई वो एक तरह से आपका क्या बन गया एब नॉर्मल गेन तो सीधी सी बात है जब नॉर्मल लॉस से ज्यादा ठीक है तो एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा भी लॉस हो जाए तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस और जब आपके नॉर्मल लॉस से भी कम लॉस हो गया तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस डेट सेट और कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पर ठीक है तो बस अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस वन बनाया ऐसे हम प्रोसेस टू निकालेंगे फिर प्रोसेस थ्री करेंगे ठीक है अब मान लीजिए प्रोसेस थ्री तक लास्ट तक जो है वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ऑनली फिश गुड्सट ठीक है चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रो समझते हैं

यानी कि जिस प्रोसेस में जितना जितना वेजेस का खर्चा हुआ उसी के हिसाब से जो इंड एक्सपेंस का खर्चा होगा उसी प्रोपोर्शन में ठीक है फिर लिखा है देर वॉज नो वर्किंग प्रोग्रेस एट एट द द और एंड ऑफ द पीरियड दैट मीन्स यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका क्या स्टेटमेंट का मतलब है जब आप प्रोसेस वन करोगे तो उस प्रोसेस वन में जो है कोई भी वर्किंग प्रोग्रेस एक तरह से नहीं था ठीक है मीन्स और एट द बिगिन एंड ऑफ द पीरियड

introduced that is वन थाउजेंड और डायरेक्ट मेटी की देखिए कोस्ट कितनी दिखी दैट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड देखिए इसी कोस्ट लिखी नहीं है तो मैं यहाँ पर इसी में लिख रहा हूँ डायरेक्ट मेटीरियल की कॉस्ट दैट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है उसके बाद क्या किए देखिए डायरेक्ट लेबर

देखिए क्या करना है आपको डायरेक्ट लेबर का आपको हर प्रोसेस का देखिए टोटल कीजिए थर्टी टू थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड इज़ फिफ्टी थाउजेंड दे एड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी सेवेंटी थाउजेंड अब हमें अपोर्शन करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे करना है देखिए एक्सपेंसेस अब इसको अपोर्शन कैसे करना है देखिए देखिए डायरेक्ट दे, अमाउंट टोटल तो तो कितना है ट्वेंटी वन थाउजेंड है ठीक है मल्टीप्लाई किससे करना है आपको प्रोसेस वन में टोटल कितनी कॉस्ट है डेड लेबर थर्टी टू थाउजेंड और उसका टोटल कितना था सेवेंटी थाउजेंड तो क्या करना है आपको थर्टी टू डिवाइड बाई सेवेंटी देट्स इट तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा दैट इज नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ है देर वॉज नो वर्किंग प्रोग्रेस कुछ भी वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है तो सारा का सारा जितना भी आउटपुट है वो हम सारा प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर देंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पर यहाँ लिखेंगे देखिए आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू ठीक है यहाँ आप चाहे बैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर तो टोटल कर देंगे वन थाउजेंड दैट इज़ नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस अब क्या करना है आपको यही से जो सेम अमाउंट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ये जो सेम अमाउंट है ये आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो लिखा लिखेंगे देखिए इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन कितना है वन थाउजेंड आई है एट दिस अमाउंट अब प्रोसेस वन में भी कुछ डायट मटेरियल खर्चा हुआ होगा डेट लेबर भी लगी है डेट एक्सपेंस भी हुए हैं, एंड इन डेट एक्सपेंसिव भी हुए हैं। देखिए प्रोसेस में कितना करना ट्वेंटी वन एटीन एंड टू ट्वेंटी वन थाउजेंड एटीन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड एंड एक्सपेंस कैसे हमें करना है सेम उसी प्रोसेसर ट्वेंटी वन थाउजेंड मल्टीप्लाई वाई इसका कितना देखिए एटीन थाउजेंड एंड डायरेक्ट लेबर सो एटीन टोटल कितना सेवनटीन ठीक है, 18, so 18, है 17. ये आपका आ जाएगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड वन थाउजेंड यूनिट एट वन लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो बस सारा सा हम जो आउटपुट जो ट्रांसफर कर देंगे टू द नेक्स्ट प्रोसेस सो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री अगेन दिस आउटपुट विल be transferred टू नेक्स्ट प्रोसेस अब यहां लिखेंगे इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू वन थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड ऐसे यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेज डायरेक्ट लेबर देखिए कितना था सिक्सटीन ट्वेंटी एंड सिक्सटीन ट्वेंटी एंड सिक्स थाउजेंड इन डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कैसे कर लें वही सेम मेथड ट्वेंटी वन थाउजेंड मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे सिक्स डिवाइड बाई सेवेंटीन

दी वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वज सोल्व एट ए रुपी ऑफ पॉइंट टू फाइव पर यूनिट यानी कि पाँच सौ यूनिट का जो है पॉइंट टू फाइव रुपीज में सेल ऑफ कर दिया एंड जो वेस्टेज निकलेगा प्रोसेस बी में उसको सेल कितने गया फिफ्टी पैसे पे एंड देट ऑफ सी सी में भी कुछ वेस्टेज निकला कितना वन परसेंट सॉरी नहीं नहीं वेस्टेज का प्रोसेज गिवन नहीं है यहाँ पर हमें बोला हुआ कि प्रोसेस सी में का वेस्टेज जो

So, तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में देखिए कितने यूनिट्स टेन थाउजेंड यूनिट्स एट रुपी वन सर देखेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इज टेन थाउजेंड यूनिट्स एट रुपी वन सर अमाउंट कितना होगा दट इज टेन थाउजेंड प्रोसेस में देखिए खर्चा क्या हो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर थाउजेंड फाइव थाउजेंड एंड वन थाउजेंड फिफ्टी सो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वन थाउजेंड फिफ्टी ठीक है और कोई एक्सपेंस भी हुआ अच्छा लिखा था नीचे की ओवरहेड चार्जेस ये दैट इज़ वन सिक्सटी एट परसेंट ऑफ डेट लेबर सो डाइट लेबर का वन सिक्सटी एट परसेंट निकालेंगे वो होंगे ओवरहेड चार्जेस सो ओवरहेड चार्जेस दैट इज वन सिक्सटी परसेंट ऑफ फाइव थाउजेंड विच टू अमाउंटिंग रुपीज एटी फोर हंड्रेड ठीक है टोटल कर देते हैं टेन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी वही यहाँ लिख देते हैं टेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि प्रोसेस वन में कुछ नॉर्मल वेस्ट हुआ दैट इज फाइव परसेंट और उसको कितने में बेच दिया दैट इज अमाउंट रुपीज पॉइंट टू फाइव पैसा पर यूनिट तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल लॉस कितना हुआ फाइव हंड्रेड यूनिट्स हुई तो उसको कैसे लिखना है से होल्ड कितने कर रहे हैं फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू फाइव तो यार रहेगा आपके पास वन ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हम सो दैट मीन्स और कुछ तो वो नहीं है तो हम सब बाकी जो रिमेनिंग आउटपुट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं सो आउटपुट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी कितना हो गया नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया ठीक है बैलेंस अमाउंट लिख देंगे कितना हो गया ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है अभी सारा जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए कितनी यूनिट्स आई नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितने पे आई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री ट्वेंटी फाइव अब देखिए यहाँ पर भी देखिए खर्चा होगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज ओवरहेड चार्जेस दैट इज़ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट थाउजेंड एंड वन थाउजेंड वन एटी एट सो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट थाउजेंड वन थाउजेंड वन एटी एट ओवरेज चार्जेस कितने वन सिक्सटी एट परसेंट ऑफ डेट लेबर सो वह आ जाएगा आपका थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन टोटल कर देते हैं नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड तो दोटल वुड बी फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी थ्री सेम अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री इसमें देखिए नॉर्मल बेस निकला तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना लगा दैट इज फोर परसेंट फोर परसेंट किस किसका होगा फोर परसेंट ऑफ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो और वो कितने पे सेल ऑफ किया देखिए पहले लिखेंगे हम नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर परसेंट ठीक है तो ये आ जाएगा दैट इज़ आपका आ जाएगा ये थ्री हंड्रेड एंड एट्टी उसको सेलअप कर दिए फिफ्टी पैसे पे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने नीड्स देखिए लॉस हुआ दैट इज़ थ्री एट्टी सेलअप कितने फिफ्टी पैसे परट इज़ वन नाइन्टी एंड द रिमेनिंग गोजफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सोटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस नाइन थउस हंड्रेड एंड ट्वेंटी अमौंट आगे फोर्टी नाइन थउस टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री ना दिस अमौंट विल ट्रांसफर टू प्रोसेस इनपुट फ्राम प्रोसेस बी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री सब सेम यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट मटेरियल खर्चा हुआ डायरेक्ट लेबर भी हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ एंड ओवर एड भी यहाँ पर इंक्लूड हुए कितने कितने हुए देखिए वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव सो वन फोर एट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन सिक्स ज़ीरो फाइव ओवर चार्जेस कितने हैं वन सिक्सटी एट परसेंट ऑफ डेड लेवर ये आपका आ जाएगा टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टोटल कर देते हैं नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एंड सिक्सटी नाइन थाउजेंड सेवन सिक्सटी एट ठीक तो है पर भी देखिए नॉर्मल नॉर्मल लॉस लॉस हुआ कितना पता ही नहीं जितना पता है वो वन रुपए पे सोल आउट कर दिया बट कितना हुआ ये पता ही नहीं है अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है से सुनिए देखिए प्रोसेस ए से जितना तो भी हमारा नॉर्मल लॉस हुआ पहले कितना था फाइव परसेंट उसके बाद फोर परसेंट अब में कितना होगा हमें पता ही नहीं है तो कुछ तो खर्चा कुछ तो भाई भाई निकला ही होगा ना और बाकी जो हम जो भी निकालेंगे वो हम क्या करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कुछ में साहब कि वेस्ट तो पक्का हुआ है और जब तक तो वेस्ट नहीं लेगा आपको ये नहीं पता होगा कि फिनिश गुड्स निकला कितना जो भी आएगा आपका वो तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा ना आपका तो जब तक आपके पास नॉर्मल का की यूनिट नहीं आएगी

टोटल जितना में खर्चा हुआ अब तक कितना खर्चा हुआ देखिए यहाँ पे कितना लिखा है आपने सिक्सटी नाइन थाउजेंड सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन थाउजेंड सेवन सिक्सटी एट सर कहाँ पे लिखा है यहाँ देखिए ये यह दो तो एम एल ए का अमाउंट ठीक है इसमें से आप क्या करोगे इसमें से आप नॉर्मल खर्चा आप निकाल लोगे यानी कि जितना भी नॉर्मल लॉस हुआ उसका कॉस्ट आप निकाल लोगे बट सर हमें पता ही नहीं है क्यों क्योंकि सर हमें ना तो ये पता कितनी यूनिट्स हुआ और कितने अमाउंट पे हमें पता ही नहीं है बेस तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स लाइट कर लेंगे इधर से कि कितनी यूनिट हमने वेस्ट निकाली दैट इज़ एक्स कितने पे सोल आउट कर रहे हैं उसको एट डिवाइड देखिए टोटल कितनी यूनिट्स अब तक निकली है दैट इज़ नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है और कितनी यूनिट्स वेस्ट निकली है पता ही नहीं सो माइनस एक्स ठीक है अच्छा आपको इसकी कॉस्ट पर पता है जी हाँ पता है क्या हुआ? कैसे देखिए आप लैंग्वेज क्या लिखी हुई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आ, दी फाइनल प्रोडक्ट वॉज सोल एट रुपीज टेन प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल क्या मतलब हुआ उसका इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी गिवन आपको रुपीज़ टेन और इसका प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी परसेंट है सो so बाकी क्या वो बचा वो कॉस्ट तो बचा सो ये क्या आपका कॉस्ट पर यूनिट और हम वही तो निकाल रहे हैं so कितना 8 1. So आप आप सो कितना एट डिवाइड बाई वन बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और यहाँ से आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स टू अमाउंट विच कम्स टू फोर uh, फिफ्टी सिक्स आपकी आ जाएगी वैल्यू ठीक है so, सो बस एक्स कैल्ट के था हमने दैट इज नंबर नंबर ऑफ वेस्टेज नॉर्मल वेस्ट जितने निकला ठीक है so, तो यहाँ ले देंगे फोर फिफ्टी so, सिक्स तो बस आपके पास नॉर्मल लॉस की यूनिट भी आ गई एंड अमाउंट भी आ गया सो फोर फिफ्टी सिक्स फोर फिफ्टी सिक्स दैट्स इट फिनिश गुड्स कितने हैं

आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना और इसमें से आप जितना भी नॉर्मल लोग सको उसका आप एक्सपेक्ट कर दो ठीक है प्लस उसका डिवाइड कर दो हमें कहने कॉस्ट पर यूनिट ना तो टोटल खर्चा डिवाइड बाई कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है it, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई सो so ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू रीड क्वेश्चन नंबर थ्री